गौतम अदानी भारत और दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन में से एक है। इसके अलावा दुनिया के अमीर व्यक्तियों में इनका नाम शामिल है। 2023 के हिंडनबर्ग विवाद से अदानी ग्रुप का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में भारतीय संसद में भी अदानी मामले में काफी बहस हुई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अदानी ग्रुप के मालिक गौतम अदानी आखिर कौन है, इतने कम समय में इतने बड़े बिजनेस के मालिक कैसे बन गए, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और शिक्षा, परिवार, घर कहाँ है, करियर की शुरुआत, उनकी पहली कंपनी, गौतम अदानी का बिजनेस, कुल संपत्ति, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। गौतम अदानी का प्रारंभिक जीवन परिचय। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में एक मध्यम वर्गीय गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल और माता का नाम शांति अदानी था। उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उनके पिता एक छोटे से व्यापारी थे और उनके घर में कुल मिलाकर 7 भाई थे, जिसके कारण घर का खर्च पूरा करने के लिए उनके बड़े भाई मनसुख भाई को दूसरे शहर जाकर काम करना पड़ा। बात करें गौतम अदानी की पत्नी की तो उनका नाम प्रीति अदानी है। वो प्रोफेशनली एक डेंटिस्ट है, लेकिन इस वक्त अदानी फाउंडेशन के चेयरपर्सन का कार्यभार संभाल रही है। उनकी पत्नी के नेतृत्व में अदानी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काम करता है। वो कई अंगों के साथ मिलकर भी काम कर रही है। गौतम अदानी के दो बेटे हैं, करण और जीत अदानी हैं। गौतम अदानी की शिक्षा। गौतम अदानी की स्कूली शिक्षा सेठ चिमनलाल नागेदास स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन किसी कारण वो ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए और बीच में पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मुंबई आए। जब वो मुंबई पहुंचे तो उनकी जेब में केवल 100 रुपए ही थे। गौतम अदानी के करियर की शुरुआत। साल 1980 में आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण गौतम अदानी का परिवार थराद जा बसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौतम अदानी को इंग्लिश भाषा में बोलचाल करने में दिक्कत आती थी, लेकिन उनके दोस्त मलय की इंग्लिश में पकड़ काफी अच्छी थी। आगे चलकर दोनों बिजनेस पार्टनर बने। इसके बाद ही शुरू हुआ गौतम अदानी का फर्श से अर्श का सफर। बिजनेस में रुचि रखने वाले गौतम अदानी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर 1978 में मुंबई आ पहुंचे, जहां उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई वाली शाखा में नौकरी की। हालांकि गौतम अदानी काफी समझदार और मेहनती थे, इसलिए उन्होंने काम करते करते व्यापार के सारे नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड के बारे में जानकारी अच्छे से लेनी शुरू कर दी। व्यापार की अच्छी समझ होने के बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और आभूषणों के सबसे बड़े जावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज खोल लिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अदानी ने साल 1981 में अपना सिक्का अजमाया, जहां वो कामयाब रहे। ऐसा कहा जाता है कि इसमें उनके बड़े भाई मनसुख भाई अदानी ने अहमदाबाद में एक पीवीसी यूनिट खोली थी और उसको मैनेज करने के लिए इन्हें बुलाया था। तब से ही उन्होंने इसमें भी अपना पैर पक्का कर लिया। गौतम अदानी का बिजनेस एवं कंपनियां। साल 1985 में उन्होंने छोटे स्तर पर पॉलीमर का आयात शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, जो एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करती है। साल 1991 ग्लोबलाइजेशन का दौर गौतम अदानी के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ, जिसमें उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी शुरू की। साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला, तो इस अवसर को भी गौतम अदानी ने लपक लिया। साल 1995 में उन्होंने अदानी पोर्ट्स एंड एसिजेड खोली, जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी में से एक है। 210 मिलियन टन कार्गो संभालने वाले मुंद्रा पोर्ट का पूरा जिम्मा आज भी उनके पास है। इसके बाद उन्होंने 1996 अदानी पावर कंपनी की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने एक नई फील्ड में कदम रखा, वो है एनर्जी सेक्टर, जिसके बाद आज वो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं, जिसकी क्षमता 4,620 मेगावाट है। साल 2006 से 2012 में उन्होंने बिजली उत्पादन के क्षेत्र को देश के बाद अन्य देशों में विस्तृत किया। साल 2020 में गौतम अदानी ने सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक नई शुरुआत की। मई में सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित नीलामी में उन्होंने करीबन $6 मिलियन लगाए और इस प्रोजेक्ट को हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने ग्रीन एनर्जी के फील्ड में 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साल 2021 में अदानी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 74% हिस्सेदारी भी अपने नाम की, जिसके बाद वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।
साल 2022 में भी वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। गौतम अदानी की कुल संपत्ति। साल 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर शख्स साबित हुए थे। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्री की 2 करोड़ की डील खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई, जिसके बाद अदानी ग्रुप पहले नंबर पर आ गया। इससे पहले ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने अदानी की नेटवर्थ 88.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ये जानकारी सामने लाई गई थी, जो मुकेश अंबानी से महज 2.2 बिलियन डॉलर कम थी। हाल ही में अदानी शेयर्स में भारी गिरावट आई, लेकिन अब अगर गौतम अदानी के कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो वह 62.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है और अभी वो फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट में 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बता दें कि 7 फरवरी को अदानी समूह के शेयरों में बढ़ोतरी के बाद अदानी की संपत्ति में कुल 463 मिलियन डॉलर की बढ़त दर्ज की गई थी। इसके बाद वो एक बार फिर टॉप माइनस 20 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। गौतम अदानी का सामाजिक कार्य। भारत के कई अरबपतियों की तरह गौतम अदानी भी सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण सामाजिक कार्यों में इनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। साल 1996 में उन्होंने अदानी फाउंडेशन खोला, जिसके जरिए देश के कई हिस्सों में सामाजिक कार्य किए गए। आपको बता दें कि इसका नेतृत्व प्रीति अदानी करती है। कोरोना महामारी के दौरान अदानी फाउंडेशन ने देश को सबसे बड़ा सहयोग दिया, जिसके चलते उन्होंने पीएम केयर फंड में 100 करोड़, गुजरात सरकार को 5 करोड़ और महाराष्ट्र राहत कोष में 1 करोड़ का फंड दिया, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इस महामारी के कारण पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब देश ऑक्सीजन की किल्लत से लड़ रहा था, तब अदानी ग्रुप एक मसीहा बनकर आया और उसने देश में लिक्विड ऑक्सीजन सरकार को दिलाकर इसके संकट से उबारा। इसके साथ ही अदानी ग्रुप ने उन लोगों की भी काफी सहायता की जिनके पास इस महामारी में इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। इनके फाउंडेशन के जरिए लोगों तक राशन और खाने की चीजें पहुंचाई गई, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। विद न्यूज रिपोर्ट।